इससे पहले शायद आपने राजस्थान का ऐसा गांव तो नहीं देखा होगा। इस गांव का व्यक्ति चाहे डॉक्टर हो, कलेक्टर हो या फिर महीने के 1 करोड़ क्यों ना कमाता हो, फिर भी यहां पर आपको सारे मकान एकदम कच्चे देखने को मिलेंगे। आज दुनिया कितनी बदल चुकी है, लेकिन इस गांव के लोगों ने ना अपने घर बदले, ना अपना पहनावा बदला, ना अपनी भाषा बदली। यहां ना कोई शराब पीता है, ना कोई मांस खाता है। इन हजार घरों की आबादी में कभी भी चोरी नहीं हुई है, जबकि यहां के लोग इन घरों में ताले तक नहीं लगाते। तथा गांव में मिले ये बाबू साहब बताते हैं कि यहां पर जिसकी भी शादी हो चुकी होती है उसको ये तांबे की अंगूठी पहना दी जाती है, जिसे पता चल जाता है कि ये बंदा शादीशुदा है। और तो और इस गांव के सभी लोगों की जमीन खुद के नाम पर ना होकर बल्कि भगवान देवनारायण जी के नाम पर है। इस गांव का नाम है देवमाली, जो राजस्थान के ब्यावर जिले में स्थित है। इसके पीछे की कहानी पूछने पर यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भगवान देवनारायण जी यहां पर आए थे, तब वे गांव के लोगों द्वारा की गई सेवा से बहुत खुश हुए। तब जाते समय भगवान देवनारायण जी ये कहकर गए थे कि यदि शांति से रहना है तो घर की छत को कभी भी पक्की मत करना। और तभी से इस गांव के किसी भी व्यक्ति ने अपने घर की छत पक्की नहीं डलवाई। आज के कलयुग में सतयुग की मिसाल है ये गांव। अपनी संस्कृति और परंपरा को निभा रहे इस गांव के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट के अंदर 2 लाइन तो जरूर लिखिएगा। तो शेयर करो इस वीडियो को इतना कि पूरे भारत में पता चले कि हमारे राजस्थान में एक ऐसा गांव है जो बदलती दुनिया पर एक भारी तमाचा देता है।